माय डियर बच्चा पार्टी, कैसे हो सबके सब। तो हाजिर हैं आपकी स्वाति मैम एक और बढ़िया से वीडियो लेकर, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और भी बहुत सारे क्वेश्चंस। किस चैप्टर के सही पहचाना आपने? ग्रीन स्किल्स। सो आई होप आप रेडी हो कुछ नया सीखने के लिए, जो आपको मिलेगा सिर्फ यहाँ और कहाँ। स्वागत है आपका अपने इस चैनल में। आई एम योर एडुकेटर एंड मेंटर स्वाति चावला। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, पता था आपको करना क्या है? अगर वीडियो पसंद आ जाए एक लाइक तो वीडियो को जरूर बनता है, एंड आफ्टर दैट डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। सो नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हम जो क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, दिस इज फ्रॉम पार्ट ए, दैट इज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। और उसमें आपके जो फिफ्थ यूनिट है, दैट इज ग्रीन स्किल्स, वो हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। पहले हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके सीबीएसई स्टडी मटेरियल में है, राइट। और बहुत अच्छे से आप इनके नोट डाउन कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो। अगर आपको ये पीडीएफ फाइल चाहिए तो यू कैन परचेज द मेंबरशिप ऑफ दिस चैनल, यू विल गेट दिस पीडीएफ। नाउ वी विल स्टार्ट विद द एमसीक्यू, जो हमारा फर्स्ट है, दैट इज हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर गिवन बाय द यूनाइटेड नेशंस। जो आपका ग्रीन स्किल्स चैप्टर है, बेसिकली ऐसे साइंस के टॉपिक से ही रिलेटेड है, तो आपको पता होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, कि हमें जो है मींस फ्यूचर जनरेशन, मींस दोनों को कंसीडर करना है, प्रेजेंट जनरेशन भी और प्लस जो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन है, जो भी हम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं उसको प्रॉपर यूटिलाइज करना है, सो दैट जो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उनको कोई भी दिक्कत, कोई भी कमी किसी भी रिसोर्स की ना हो। तो इसके लिए जो यूनाइटेड नेशंस ने हमारे को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए हैं, तो उसके हमें कितने गोल्स दिए हैं? टोटल 17 गोल्स आर प्रोवाइडेड बाय द यूनाइटेड नेशंस, जिसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसको हम और क्या कह सकते हैं? SDGs, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, राइट। अगर आपने चैप्टर की कंसेप्चुअल वीडियो नहीं देखे तो फटाफट से जाकर सबसे पहले कंसेप्चुअल वीडियोज देख लीजिए, बिकॉज अगर आपने चैप्टर वीडियोस देख ली तो आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे, तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन आंसर्स एज वेल। बिकॉज क्वेश्चन आंसर्स क्या होते हैं, कई बार लिमिटेड होते हैं, ठीक है, कि हमने सपोज ये क्वेश्चन बनाया, अब इसमें से आ जाता है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं गिवन बाय हूम, तो आप लिख सकते हो यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। तो क्वेश्चन लिमिटेड होते हैं, बट अगर आप चैप्टर को थोरली अच्छे से पढ़ लोगे तो डेफिनेटली आप ये वाली वीडियो बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन आंसर समझ में ज़रूर आएंगे। अब हम आ जाते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। चूज द ऑप्शन विच डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी हमने डेफिनेशन भी डिस्कस की है इसकी। फर्स्ट वन इज टेकिंग केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशंस, ठीक है, फ्यूचर जनरेशन को हम टेक केयर करते हैं। टेकिंग केयर ऑफ ओनली आवरसेल्फ, सिर्फ अपनी फिक्र करें? नो, ऐसे तो हम नहीं है ना। टेकिंग केयर ऑफ आवरसेल्फ एंड फ्यूचर जनरेशंस, हमें प्रेजेंट जनरेशन को भी माइंड में रखना है, एज वेल एज वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशन एज वेल। तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, दैट इज ऑप्शन सी, टेकिंग केयर ऑफ आवरसेल्फ एंड फ्यूचर जनरेशंस। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज मेड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। पता है आपको आंसर, दैट इज यूनाइटेड नेशंस। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वाला टॉपिक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। अगर एग्जामिनर का मूड हुआ, अच्छा सा मूड हुआ, अच्छा सा पेपर बनाया, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के में से क्वेश्चंस आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ एनर्जी इज फ्रॉम अ रिन्यूएबल सोर्स। रिन्यूएबल सोर्स आपको पता है, उसके लिए जो मेरा करेक्ट आंसर होगा, दैट इज सोलर एनर्जी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, चूज द ऑप्शन विच इज़ नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस। सी, जो हमारा यूनाइटेड नेशंस ने टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए हैं, उनमें से मेरा कौन सा ऑप्शन नहीं है? चूज द ऑप्शन विच इज़ नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस। तो जो फर्स्ट पार्ट मुझे गिवन है, दैट इज क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। सेकेंड पार्ट इज जेंडर इक्वालिटी। थर्ड वन इज पॉपुलेशन। एंड फोर्थ वन इज रिड्यूस इनइक्वालिटीज। सो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में पॉइंट मेंशन नहीं है, दैट इज ऑप्शन सी, पॉपुलेशन। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रीन इकोनॉमी क्या होती है, ये सब। सो फर्स्ट वन इज, व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट सेटिस्फाइड्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट,
विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द कैपेसिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, मीन्स प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स भी फुलफिल हो, बट इतनी भी फुलफिल ना कर दो कि फ्यूचर जनरेशन को ही कुछ ना मिले, ठीक है? या फिर ऐसा भी ना हो कि तुम बहुत कम यूज़ कर रहे हो रिसोर्सेज को, सो दैट फ्यूचर जनरेशन को ही सारा कुछ मिले. हमें एक तरीके से बैलेंस मेंटेन करके चलना है बिटवीन प्रेजेंट एज वेल एज द फ्यूचर जनरेशन. तो यही डेफिनेशन में लिखा हुआ, इज द डेवलपमेंट दैट सेटिस्फाइज द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट. प्रेजेंट जनरेशन की नीड को सेटिस्फाई करोगे, सारे रिसोर्सेज हम अच्छे से यूटिलाइज करेंगे विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द कैपेसिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन. जो हमारे फ्यूचर जनरेशन है उनकी उनकी भी मीन्स कैपेसिटी, उनके जो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है उनको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना. गारंटिंग द बैलेंस बिटवीन, बैलेंस मेंटेन करके चलना है इकोनॉमिक ग्रोथ का, केयर फॉर एनवायरमेंट एज वेल एज द सोशल वेलबींग. Now next question number 2. What do you think the United Nations has made the 17 Sustainable Development Goals? आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो United Nations ने 17 Sustainable Development Goals बनाए उसके requirement क्यों बढ़े? ठीक है, अब देखो कहीं ना कहीं क्या है, जो हमारी present generation है वो resources को बहुत ज़्यादा waste कर रही है या फिर excess में उसका utilization कर रही है. तो United Nations को कुछ 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाने पड़े कि उनका जो मेन इशू था कि भाई मेन रीज़न आप कह सकते हो कि उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्यों बनाए. काफ़ी सारे पॉइंट्स उन्होंने दिए कि पॉवर्टी, जेंडर इक्वालिटी हो, एजुकेशन हो, क्वालिटी एजुकेशन हो, ये सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं. उससे क्या होगा कि बैलेंस मेंटेन हो जाएगा कि हमें रिसोर्सेज किस तरीके से प्रॉपर यूटिलाइज करने हैं. सो द 17 SDGs मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. 17 SDGs have been made with the aim to take care of important issues facing business, government and society. ये तीनों जो भी issues को face कर रहे हैं उसको ध्यान रखना, उसके लिए 17 Sustainable Development Goals बनाए गए. Some of these issues are poverty, gender equality. तो कहीं ना कहीं क्या होता है, अगर gender equality नहीं होती है तो भी हमारे resources जो अच्छे से utilize नहीं होते हैं. जेंडर इक्वालिटी मीन्स मेल फीमेल में एक तरीके से इसको लेकर के डिस्क्रिमिनेशन हो गया. वाटर यूज़ प्रॉपर यूटिलाइज करना है, वाटर का किस तरीके से करना है, मीन्स अगर आप टैप यूज़ पानी यूज़ नहीं कर रहे हैं टैप को बंद कर दो, कहीं एक्सेस में आप देख रहे हो पाइप लीक हो रहा है उसको ठीक कराओ. तो ये सारे गोल्स आपको यूनाइटेड नेशंस ने प्रोवाइड किए हैं. एनर्जी, सोलर एनर्जी हम यूज़ कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी, ये तो कुछ लिमिटेड ही हैं. आप पूरी लिस्ट चेक करोगे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं. Countries are now making policies and regulations that will promote sustainable systems needed in all economic sectors to provide a secure, affordable and sustainable economy. Means काफ़ी सारी जो countries है वो sustainable development के process को एक तरीके से promote कर रही हैं कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए. Next is question number 3. List some ways in which we can use our resources sensibly. आपको कुछ methods बताने हैं, कुछ तरीके बताने हैं, कौन से तरीके जिससे हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको मैं बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकूं. फर्स्ट वन इज रीयूजिंग पेपर, ग्लास, प्लास्टिक, वाटर एक्सेट्रा. ठीक है, आपका जो मीन्स जो रेन वाटर है उसका आप हार्वेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हो. जो आपके पेपर हैं, ग्लासेस हो गए, प्लास्टिक बैग्स हो गए या प्लास्टिक हो गया, उसको आप रीयूज़ कर सकते हो. तो हमें उसको रीयूज़ करना चाहिए. टेकिंग क्लोथ बैग्स टू द मार्केट कैरिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. अगर आप मार्केट जाओ तो हमें आपको पता है से नो टू पॉलीथिन. ठीक है, तो हमें क्या करना है, पॉलीथिन एक तरीके से नहीं यूज़ करनी है. तो हम अपना जब भी मार्केट में कुछ जाएं तो अपना क्लोथ बैग लेकर के जाएं, कपड़े का बैग जिसको हम बोलते हैं. नेक्स्ट इज डोनेट थिंग्स वी डू नॉट यूज़ सच एज क्लोथ्स, बुक्स, फर्नीचर, फूड एक्सेट्रा. जो चीज़ आप यूज़ नहीं करो, आपके क्लोथ्स हो गए, बुक्स हो गए, फर्नीचर हो गया, फूड हो गया, वो हम किसी को यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, वी डू नॉट यूज़. प्लस अगर आप मीन्स इनफ फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं तो आप वो चीज़ परचेज करके भी दे सकते हैं जो नीडी पीपल हो. बट इस डोनेशन का मतलब ये नहीं है कि सपोज आप क्लॉथ किसी को डोनेट कर रहे हो तो उस कंडीशन में ही नहीं है कि उसको सामने वाला पहन सके, या आपको लगा कि ये फूड खाना ख़राब हो गया चलो किसी को दे दो. नहीं, अगर आप किसी की हेल्प कर ही रहे हो तो बहुत अच्छे तरीके से अगर क्लॉथ्स डोनेट कर रहे हो तो मेक श्योर कि वो उस कंडीशन में हो कि सामने वाला उसको प्रॉपर यूज़ कर सके. नेक्स्ट वन इज बाई एंड ईट सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्राम लोकल ग्रोअर्स. जो आपके लोकल ग्रोअर्स होते हैं वहाँ से आप सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स परचेज कर सकते हैं. रिपेयर लीकिंग टैप्स एंड पाइप्स टू अवॉइड वेस्टिंग वाटर.
अगर आपको लग रहा है कि कोई टैप लीक कर रही है, कोई पाइप कहीं से पानी निकल रहा है, कहीं से पानी वेस्ट हो रहा है, तो हमें उसको क्या कराना है, रिपेयर कराना है। नेक्स्ट वन इज सॉर्ट एंड ट्रीट गार्बेज बिफोर डिस्पोजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसको देखो, इस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, तो अपने आंसर्स उसी अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना। सो नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो आपको पता है क्या होता है, ठीक है, मीन्स जो आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको अच्छे से यूटिलाइज करना, मेरी प्रेजेंट जनरेशन भी यूज़ कर सके प्लस मेरी फ्यूचर जनरेशन भी यूज़ कर सके। तो उसके लिए एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, इन पॉइंट्स को आई थिंक मुझे 1, 2, 3, 4 कर देना चाहिए, राइट? फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड हो गया, दिस वन इज थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ, ठीक है। सो एजुकेशन का इसमें क्या इंपॉर्टेंस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, फर्स्ट वन इज यूज द फैसिलिटीज प्रेजेंट इन आवर एरियाज, टेक आवर फ्रेंड्स टू स्कूल। अगर हम अपने फ्रेंड्स को स्कूल में लेकर के जाएंगे, उनको एजुकेट करेंगे, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन उनको बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनको भी पता लगेगा कि हमें हाँ वाटर को रीयूज़ किस तरीके से करना है। बिकॉज जो अनएजुकेटेड पीपल होंगे उनको नहीं पता होगा कि रीयूज़ कैसे करना है, रिसाइकिल क्या होता है, 3 R's हमारे पास क्या होते हैं। तो जब तक उनको प्रॉपर एजुकेशन या और यू कैन से क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगा, वो अच्छे से नहीं समझ पाएंगे कि रिसोर्सेज को मुझे प्रॉपर किस तरीके से यूटिलाइज करना है। हेल्प फ्रेंड्स स्टडिंग, जो आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प कर सकते हो स्टडी में। स्टॉप फ्रेंड्स फ्रॉम ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल, अगर आपको ये लगता है कि जो आपका कोई फ्रेंड स्कूल ड्रॉप कर रहा है, मीन्स छोड़ ही रहा है, ट्रांसफ़र का केस नहीं है, ड्रॉप कर रहा है, मीन्स उसको स्कूल जाना ही नहीं है, ऐसी कोई सिचुएशन आ गई है, तो आप उसको मोटिवेट कर सकते हो ऐसा कहने कि भाई उसका कोई फ़ायदा नहीं है, एजुकेशन ज़रूरी है आज की डेट में इस तरीके से। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज डैश डिफाइंस अ ग्रीन इकोनॉमी एज वन दैट रिजल्ट्स इन इम्प्रूव ह्यूमन वेलबींग एंड सोशल इक्विटी बाय सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल रिस्क एंड इकोलॉजिकल स्कैर्सिटीज। स्कैर्सिटीज मीन्स किसी चीज़ की कमी होना। तो ये जो ग्रीन इकोनॉमी की डेफिनेशन है किसने डिफाइन करी है, UNEP, एंड द फुल फॉर्म ऑफ UNEP इज यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। इसमें से आपको अगर ग्रीन इकोनॉमी की डेफिनेशन आ जाए तो भी आप लिख सकते हो, प्लस अगर ये फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आ जाए या फिर UNEP के बारे में कुछ आ जाए तो देन ऑल्सो यू कैन राइट दिस पॉइंट। नेक्स्ट है सेकेंड, गिव वन प्रैक्टिस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल प्रोसेस दैट इज बींग यूज टू हेल्प प्रिजर्व द एनवायरमेंट। अगर मुझे एनवायरमेंट को प्रिजर्व करना हो तो आई कैन यूज द ऑर्गेनिक फार्मिंग, राइट? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ सोलर पावर इन इंडिया। जो सोलर पावर का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है गुजरात में, दैट इज चरंका, दैट इज इन गुजरात सोलर पार्क। ये क्वेश्चन आपका जो CBSE का सैम्पल पेपर विच हैज़ बीन इशूड रिसेंटली उसमें था बेटा। नेक्स्ट इज रिड्यूस इनइक्वालिटीज इज वन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सेट बाय द यूनाइटेड नेशंस। गिव एनी 2 ways टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज, कि अगर मुझे इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है तो मुझे मीन्स कौन कौन से 2 methods हैं। सो टू ईजी वेज टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज आज बी हेल्पफुल टू वन अनदर, मीन्स मुझे कहीं पर भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, बी हेल्पफुल टू वन अनदर, एक दूसरे के हेल्प इक्वल इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना। वो किसी भी बेस पर हो सकता है, जेंडर के बेस पर हो सकता है, कास्ट के बेस पर हो सकता है, रिलीजन के बेस पर हो सकता है। यू ऑल आर माई एडुकेटेड स्टूडेंट्स, तो हमें किसी भी चीज़ को लेकर के किसी भी तरीके से किसी के भी साथ इनइक्वालिटी या डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। तो उसको रोकने के, उसको कम करने के कोई 2 methods बताओ। फर्स्ट वन इज बी हेल्पफुल टू वन अनदर, एक दूसरे की हेल्प करो, ये सोच करने की हाँ वो सपोज आई एम हिंदू, सेकेंड वन इज ऑल्सो हिंदू, चलो मैं उसकी हेल्प कर देता हूँ, ठीक है, या मेरी ये कास्ट है उसकी भी ये कास्ट है तो मैं उसकी हेल्प कर देता हूँ, नहीं, बी हेल्पफुल टू वन अनदर, सबकी हेल्प करो। सेकेंड वन इज बी फ्रेंडली विद एवरीवन, फ्रेंड्स ये देख कर मत बनाओ कि हाँ मेरी कास्ट है, मेरा रिलीजन ये है तो वो भी मेरा फ्रेंड होगा क्योंकि वो सेम रिलीजन से, नो, यू आर ऑल्सो ह्यूमन बींग, दैट पर्सन इज ऑल्सो ह्यूमन बींग, राइट? सो बी फ्रेंडली विद एवरीवन, सबसे ऊपर जो चीज़ रहती है बेटा डैट इज ह्यूमैनिटी, विच इज़ अबव ऑल रीजन, विच इज़ अबव कास्ट, सबके ऊपर। सिर्फ क्या रहता है, अगर आपके बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज सिंपल टर्म मैं यूज़ करूँ, इंसानियत, ठीक है। तो वी हैव यू हैव टू बी फ्रेंडली विद एवरीवन, सबके साथ फ्रेंडली रहना, सबको फ्रेंड्स बनाना। नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट
द एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट आर डैश इश्यूज. मीन्स अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, दो चीज़ हम लेकर चलते हैं, एनवायरमेंट भी डेवलपमेंट भी. तो ये दोनों इश्यूज कैसे हैं? इनसेपरेबल, सेपरेट, इंडिपेंडेंट, नन ऑफ दिस. इनसेपरेबल, जिसको मैं सेपरेट नहीं कर सकती, दोनों आपस में रिलेटेड हैं. नेक्स्ट इज एन इकोनॉमी इज कॉल्ड ग्रीन इकोनॉमी व्हेन इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ डैश. तो व्हेन इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. नेक्स्ट इज सेवेंथ क्वेश्चन. लिस्ट डाउन एनी फोर फैक्टर्स कॉजिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, सॉरी, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस किन किन तरीकों से हो सकता है. कोई आपको फोर मेथड्स बताने हैं. यू कैन राइट डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, प्लस लार्ज स्केल यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स और ओवरग्रेजिंग. नेक्स्ट इज डिफाइन ग्रीन इकोनॉमी. तो ग्रीन इकोनॉमी इज कॉल्ड ग्रीन इकोनॉमी व्हेन इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. जो आपकी मीन्स अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो तो वो इकोनॉमी आपकी कौन सी होगी? ग्रीन इकोनॉमी. अब हम आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर. विच फैक्टर्स कॉजेस इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, ये क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया है. कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे आपको इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होता है? अगर आपको इन टर्म के मीनिंग्स देखने हैं, प्लीज़ रेफर माई कंसेप्चुअल वीडियोज, आई एम टेलिंग यू अगेन. उसमें ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं. डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ओवरग्रेजिंग, जो पॉइंट्स आपने लिखने लिख सकते हो. डिफाइन ग्रीन इकोनॉमी, दिस ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड. एंड इकोनॉमी इज कॉल्ड ग्रीन इकोनॉमी व्हेन इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड. व्हाट आर ग्रीन स्किल्स? राइट अबाउट सम ऑफ द एरियाज इन विच ग्रीन स्किल्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ग्रीन स्किल्स क्या होते हैं? अब ग्रीन स्किल्स, ग्रीन ग्रीनरी, दैट मीन्स एनवायरमेंट. तो हमें किस चीज़ को फॉलो करना है? ग्रीन स्किल्स या ग्रीन इकोनॉमी, जो आपके क्या हो जाएंगे, ग्रीन लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल को फॉलो करें. ठीक है. द स्किल्स यूज फॉर प्रमोटिंग ग्रीन इकोनॉमी आर नॉन एज ग्रीन स्किल. अब ग्रीन इकोनॉमी आपको पता है वो चीज़ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर रही है, उसके प्रिंसिपल को फॉलो कर रही है. अब मैं उन तरीकों को फॉलो कैसे करूँ, क्या स्किल्स अप्लाई करूँ, दैट इज नॉन एज द ग्रीन स्किल. फॉर एन एग्जाम्पल, आपको पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल क्या है, कि आई हैव टू रीयूज वाटर, राइट, या फिर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना. तो मैं वो किस तरीके से वाटर को प्रॉपर यूटिलाइज कर रही हूँ, अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से प्रॉपर यूटिलाइज कर रही हूँ, तो वो आपका क्या होगा? स्किल. सो द स्किल्स यूज फॉर प्रमोटिंग ग्रीन इकोनॉमी आर नॉन एज द ग्रीन स्किल्स. नेक्स्ट पॉइंट, दीज स्किल्स आर नीडेड इन एरिया सिमिलर टू रिन्यूएबल एनर्जी, सीवर वाटर ट्रीटमेंट, क्लाइमेट रिसाइलेंट सिटीज, इसको रीड आउट कर लेना. नेक्स्ट है बेटा, राइट अबाउट सम ऑफ द एरियाज इन विच ग्रीन स्किल्स कॉन्ट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ये आपके पॉइंट्स हैं. सम ऑफ द एरियाज इन विच, जहाँ पर ग्रीन स्किल कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट, इसको किससे मीन्स जो आपका वाटर है उसको प्रॉपर अच्छे से यूटिलाइज करना है. रिन्यूएबल एनर्जी आप यूज़ कर सकते हो, सोलर एनर्जी हम यूज़ कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो बारिश का पानी होता है उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, कंजर्विंग एनर्जी, एनर्जी में आपके इलेक्ट्रिसिटी भी आती है, रिड्यूसिंग पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को रिड्यूस करना है, ये सारे पॉइंट्स आपके. नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ ग्रीन इकोनॉमी. अब ग्रीन इकोनॉमी की डेफिनेशन आपको पता है, विच इज फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अब इसका प्राइमरी गोल क्या है? तो रिडक्शन ऑफ एनवायरमेंटल रिस्क इज द प्राइमरी गोल ऑफ ग्रीन इकोनॉमी. कि हमारे जो रिसोर्सेज है उसको अच्छे से कंजर्व करके रखना, प्लस जो एनवायरमेंट पर रिस्क आ रहा है, एनवायरमेंटल रिस्क मीन्स लाइक अगर रिसोर्सेज नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं वो एनवायरमेंट पर उस चीज़ का इफेक्ट पड़ेगा हमारे साथ साथ. तो इस चीज़ को रिड्यूस करना, दिस इज द प्राइमरी गोल ऑफ ग्रीन इकोनॉमी. द मेन फोकस इज टू इंश्योर इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट. अगर आप रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज भी कर रहे हो, राइट, और इकोनॉमिक ग्रोथ भी आपने मेंटेन करके रखनी है, बट ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका जो एनवायरनमेंट है उसको कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट उस चीज़ का ना पड़े. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. राइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रीन इकोनॉमी. ग्रीन इकोनॉमी की इम्पॉर्टेंस लिखनी है. इट प्रमोट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इट प्रमोट्स इफेक्टिव रिसोर्स यूटिलाइजेशन. सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, प्लस जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं उसको मुझे इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कंजर्वेशन
मेंशन द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन. कंजर्वेशन मीन्स किसी चीज़ को कंजर्व करके रखना, कोई भी आपके रिसोर्सेज हो सकते हैं, सो दैट आप उसको बाद में यूज़ कर सको. कंजर्वेशन मीन्स सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक आपके सोइल, प्लांट, एनिमल एंड मिनरल्स. इसको प्रॉपर आपने कंजर्व करना है सर, आपके नेचुरल रिसोर्सेज हो गए. द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन इज दैट रिसोर्सेज शुड नॉट बी यूज एट अ रेट ग्रेटर देन द रेट ऑफ देयर रिप्लेसमेंट. कि आपको लगता है हाँ चलो ये रिप्लेस तो हो जाएंगे, बट इतने भी ज़्यादा मत यूज़ करते जाओ. कितना यूज़ कर लेते हैं तो वो रिप्लेस भी नहीं होंगे, राइट? कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में तो वो दोबारा से आएंगे भी नहीं. सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन इज दैट रिसोर्सेज शुड नॉट बी यूज एट अ रेट ग्रेटर देन द रेट ऑफ देयर रिप्लेसमेंट. नेक्स्ट, व्हाट आर द फाइव सोर्सेज ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू अस. एनर्जी आपको कहाँ कहाँ से मिलती है? देयर आर फाइव फंडामेंटल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. न्यूक्लियर फ्यूजन इन द सन, सोलर एनर्जी हो गया आपका, एनर्जी इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो, ग्रेविटी जनरेटेड बाय द अर्थ एंड मून. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड एनवायरमेंट, इकोसिस्टम एंड डॉक्टर्स कॉजिंग इम्बैलेंस. सो ह्यूमंस आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द एनवायरमेंट फॉर फूड, वाटर, एयर एंड अदर बेसिक नीड्स फॉर सर्वाइवल. हम लोग प्रॉपर टोटली किस पर डिपेंड हैं? एनवायरमेंट पर. हो गया रिलेशनशिप सोसाइटी एंड एनवायरमेंट, ठीक है? तो सोसाइटी मीन्स हम लोग हर एक चीज़ के लिए किस पर डिपेंड हैं? एनवायरमेंट पे. फूड आ रहा है कहाँ से आ रहा है? अपने आप से तो नहीं आ रहा है ना. वाटर सब कुछ कहाँ से आ रहा है हमारे पास? एनवायरमेंट से. सो ये हो गया रिलेशनशिप. नेक्स्ट, इकोसिस्टम इंक्लूड्स ऑल ऑफ द लिविंग थिंग्स इन द गिवन एरिया इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड सो नॉन लिविंग एनवायरमेंट. ये फैक्टर्स कॉजिंग इम्बैलेंस हो गया. इट इज़ फैक्टर्स नॉट डॉक्टर्स, ठीक है? इसको ठीक कर देते हैं. कई बार वो ऑटो करेक्ट का ऑप्शन, या हो सकता है ऑटो करेक्ट ना भी हो, मुझसे ही मिस्टेक हो गई हो, ठीक है? चलो नेक्स्ट इज एन्यूमरेट नेचुरल रिसोर्सेज. आपके टू टाइप्स के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. सो रिसोर्सेज दैट कैन बी रिन्यूड नेचुरली वो आपके होंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज. एग्जाम्पल योर लाइक वाटर, सोइल, विंड. नॉन रिन्यूएबल जो आपके नेचुरली रिन्यूड नहीं हो सकते हैं, कोल, पेट्रोल, ये सब. नेक्स्ट इज डिफाइन द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ये हम कर चुके हैं बहुत बार, अगेन आई एम सेइंग दिस इज इम्पॉर्टेंट. इट इज डिफाइंड एज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन. प्रेजेंट जनरेशन की नीड को भी फुलफिल करना है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स. फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान रखना है, प्लस वी हैव टू टेक केयर ऑफ प्रेजेंट जनरेशन एज वेल. हाउ कैन वी कंजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज को हम किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं? थ्री आर्स आई थिंक आपने पढ़े होंगे, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल. उसके हेल्प से हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं. नेक्स्ट इज व्हाई डू यू थिंक ग्रीन इकोनॉमी इज इम्पॉर्टेंट? बिकॉज इट प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इसकी वजह से हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो इफेक्टिवली यूटिलाइज हो रहे हैं. नेक्स्ट लिस्ट ऑन एनी फोर फैक्टर्स कॉजिंग इकोलॉजिकल इम्बैलेंस. काफ़ी बार आ चुका है क्वेश्चन, अच्छे से पॉइंट्स देख लेना. इकोलॉजिकल इम्बैलेंस किस किस की वजह से होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ओवर ग्रेजिंग एंड लार्ज स्केल यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स. नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्क्राइब्स अ ग्रीन इकोनॉमी करेक्टली. अ ग्रीन इकोनॉमी यूजेस लेस रिसोर्सेज, यूजेस मोर रिसोर्सेज, कॉजेज मोर पोल्यूशन. सीधा सा आंसर मुझे दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर कट आंसर, दैट इज यूजेस लेस रिसोर्सेज. एक ऑप्शन और भी था, वेस्ट मोर आइटम, तो वो भी नहीं होगा. नेक्स्ट पॉइंट इज डैश रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ एनवायरमेंट वेयर लाइफ एग्जिस्ट, दिस इज नॉन एज बायोस्फीयर. एंड द लास्ट वन इज एन इकोनॉमी इज कॉल्ड ग्रीन इकोनॉमी व्हेन इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सो आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, समझ भी आ गए होंगे. अगर आपने बाकी चैप्टर्स के ये क्वेश्चंस की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस नहीं देखी है, फटाफट से चैनल विजिट करो, प्लेलिस्ट देखो, जस्ट स्क्रॉल इट डाउन. हर एक प्लेलिस्ट, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट में पहले कंसेप्चुअल वीडियोस हैं, फिर उसके नीचे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस भी हैं. और फटाफट से वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि इट्स योर एग्जाम टाइम. और एग्जाम टाइम नहीं भी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो मेक श्योर टू शेयर इट विद अदर्स ऑल्सो. एंड प्लीज शेयर, शो योर सपोर्ट बाय शेयरिंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो,
और अगर कुछ व्यूज आप शेयर करना चाहते हैं, कोई भी डाउट हो, डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू।